नमस्कार। बीते गुरुवार को जम्मू के धीटी गांव में सेना की मुठभेड़ 7 घंटे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के साथ चली, जो कि जम्मू के सांबा सेक्टर से भारतीय सीमा में घुसे थे। इस सैन्य कार्रवाई में हमारे 3 सैन्य अधिकारी और 12 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। हालांकि सेना ने इन 3 आतंकियों को मार गिराया और इन 3 आतंकियों की जब लाशें बरामद हो गई तो सेना ने इस अभियान को खत्म कर दिया। उसी समय का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें हमारा सैनिक एक आतंकी की लाश को रस्सी से बांधकर जमीन में घसीटते हुए ले जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये सैनिक ने उस आतंकी की लाश का अपमान किया है या शव का अपमान किया है। इसी बात को लेकर कश्मीर घाटी में हमेशा मानव अधिकार की आवाज बुलंद करने वाले खुर्रम परवेज लिखते हैं कि ये है सेना के मानव अधिकार उल्लंघन का सबूत। वहीं दूसरी ओर कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फैयाज लिखते हैं कि कोई कानून, कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इस बात की इजाजत नहीं देता या अनुमति नहीं देता कि किसी भी आतंकी की लाश के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए। वहीं सेना के बचाव में आते हुए गौरव आर्या ये कमेंट करते हैं ट्विटर पर कि कई बार आतंकियों के डेड बॉडीज से शवों में विस्फोटक पदार्थ बदे होते हैं, इसलिए सेना को कई बार इस तरह की कार्रवाई करने के लिए इस तरह का बर्ताव करना पड़ता है। अब ये कॉमन सेंस की बात है, मेरी समझ में नहीं आता इन लोगों के मन में देश के गद्दार देशद्रोहियों के लिए, आतंकियों के लिए इतना प्यार आखिर उमड़ता कैसे। ये लोग किस वहां कम कहां मर जाते हैं जब हमारे सैनिकों के सर उसको मार कर उनके सर काट कर ये आतंकी अपने देश पाकिस्तान ले जाते हैं और उसके बाद उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। कई बार यहाँ मार के घात लगा के उन्हें मारते हैं और पीछे से उनकी गर्दन उड़ा देते हैं और उसके बाद उनके शरीर को छत विछित करके भी चले जाते हैं। अब इन लोगों से कौन पूछे कि ये आतंकी कौन से मानवाधिकार आयोग की चिट्ठी लेकर आते हैं सरहद पार करते वक्त, या हमारे लोगों के लिए जो कि हमें मारेंगे तो इस नियमावली का अनुसरण करेंगे मानवाधिकार की, या कत्लोगारत करते हुए ये आतंकी क्या इनको कहते हैं या कोई चिट्ठी लेकर आते हैं। आखिर ये सारे मानवाधिकार उल्लंघन के जो ये बातें होती हैं ये हमारे सैनिकों को लेकर क्यों होती हैं, और जितनी जितनी ये हमदर्दी मानवाधिकार के नियम कानून जो गिनाए जाते हैं ये आतंकियों को लेकर ही क्यों गिनाए जाते हैं। सारे क्या मानवाधिकार का ठेका या ठीकरा हमारी सेना के मत्थे क्यों मढ़ा जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारी सरकार को ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि जिन लोगों के मन में इन आतंकियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए इस तरह का प्रेम या जो इनके बचाव में खड़े हो जाते हैं इन पे सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश में आतंकियों से ज्यादा सबसे बड़ा खतरा इस तरह के लोगों की सोच है जो रहते यहाँ हैं लेकिन ये पाकिस्तान के एजेंट बन के यहाँ काम करते हैं। ये सवाल बहुत गंभीर है और सोचने लायक है। ऐसे लोगों पर आपके हिसाब से क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो सेना के मनोबल को हर वक्त गिराने का काम करते हैं। आखिर सेना के ऊपर एक कब तक मानवाधिकार का ठीकरा ठोपा जाएगा ये मैं जानना चाहती हूँ। इसी संदेश के साथ, इसी प्रश्न के साथ मैं प्राची अधिकारी अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।